दोस्तों आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। दोस्तों आज हम पढ़ रहे थे सांख्यिकी और सांख्यिकी में हम पढ़ेंगे माध्य। हमने माध्य पढ़ लिया था, बहुलक हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे माध्य। तो माध्य का चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास तीन क्वेश्चन हमने पीछे वीडियो में किए भाई, अब चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो चौथा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है भाई कि माध्य के ज्ञात करो, यानी आपको वर्गमूल दे रखे हैं। क्या दे रखा है भाई? वर्गमूल दे रखे हैं और इनकी बारंबारता दी हुई है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें माध्य के ज्ञात करना है। तो आपको माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और माध्य का फॉर्मूला क्या था भाई? माध्य का फॉर्मूला था एल प्लस एन बट्टा दो माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच, यही था माध्य का फॉर्मूला। तो हमें क्या चाहिए भाई? एल प्लस एन बट्टा दो माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच। तो हमें ये सारे मान चाहिए। तो ये सारे मान हम किस निकालते हैं? पहला स्तंभ बनाते हैं वर्गमूल का और दूसरा अपव्यय का। अपव्यय क्या होती है भाई? बारंबारता। और तीसरा संचयी बारंबारता का कॉलम बनाते हैं, संचयी बारंबारता। तीसरा कॉलम भाई संचयी बारंबारता का बनाते हैं। लेकिन मैंने ये कॉलम ये छोड़ रखा है भाई। ये क्यों छोड़ रखा है? तो ध्यान से देखो, हमारे पास वर्ग अंतराल दे रखा है 118 से 126, आगे 127 से शुरू हो रहा है, न कि 126 से। हमने पीछे जितने क्वेश्चन किए वो कैसे क्वेश्चन थे भाई? जैसे कि आपके पास 0 से 10, तो वापिस जो इसकी उच्च सीमा है वो आगे वर्ग अंतराल की क्या बन रही थी भाई? निम्न सीमा बन रही थी। यहाँ पर 20, तो यहाँ पर 20 से 30, इस तरह के वर्ग अंतराल आपको दिए हुए थे। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है भाई? 118 से 126 और बाद में 127 से शुरू कर रहा है और 135, आगे 135 से शुरू होना चाहिए लेकिन 136 से शुरू कर रहा है। तो पहले क्या करेंगे भाई? पहले वर्ग अंतराल को सही करेंगे। तो भाई सही वर्ग अंतराल निकालेंगे पहले। तो इसमें वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल सही लिखेंगे। तो क्या कह रहा हूँ मैं निम्न सीमा, निम्न सीमा में तो क्या कर रहा हूँ भाई? 0.5 घटा रहा हूँ और उच्च सीमा में क्या कर रहा हूँ? 0.5 जोड़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भाई मैं? निम्न सीमा, निम्न सीमा में से तो 0.5 घटा रहा हूँ और उच्च सीमा में क्या करूंगा? उच्च सीमा में 0.5 जोड़ूंगा। तो हमारे पास वर्ग अंतराल क्या हो जाएगी भाई? वर्ग अंतराल हमारे पास सही आ जाएगा। तो 118 से निम्न सीमा है तो 0.5 घटाओ तो कितना बचा भाई? 117.5। 117.5, अब 126 में 0.5 जोड़ो भाई, उच्च सीमा है तो 0.5 जोड़ना है। तो 126.5, आगे मैं बात करूं तो 127 निम्न सीमा, तो 0.5 क्या करना है? घटाना है। तो 0.5 घटाया तो 126.5 आ गया। 135 में 0.5 जोड़ना है तो 135.5, ये इसी प्रकार आपको करना है भाई। तो आपके पास क्या जाएगा? व्यवस्थित वर्ग अंतराल आ जाएगा। आगे 154 में से 0.5 घटा दिया तो 153.5 और 162.5 जोड़ दिया। आगे भी इसी प्रकार करना है भाई, 171.5 और 171.5 से 180.5, ये हमारे पास आ गया व्यवस्थित वर्ग अंतराल। यानी इसकी जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग अंतराल की क्या बन रही है भाई? निम्न सीमा बन रही है। इसकी उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो हमारे पास वर्ग अंतराल तो सही हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य में हमें सीएफ चाहिए और सीएफ क्या होती है भाई? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो पहले भाई 3 तो 3, आगे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 3 और 5 कितना हो गया भाई? 8 और 8 9 कितना हो गया? 8 9 17 और 17 और 12 को जोड़ो भाई तो ये कितने हो गए? 29 और 29 और 5 को जोड़ा तो ये 34 हो गए और 34 4 को जोड़ा तो क्या हुआ आपके पास? 38 और 38 2 को जोड़ा तो 40। तो हमारे पास बारंबारताओं का योग कितना आ गया भाई? 40 आ गया। तो बारंबारताओं का योग आ गया 40।
और हमारे पास अंक क्या होता है भाई, बारंबारताओं का योग। अंक क्या होता है, बारंबारता का योग होता है भाई, बारंबारता का योग। तो अंक का मान कितना गया, अंक का मान आपके पास 40 आ गया बारंबारता को जोड़ने पर, तो अंक का मान आ गया 40। तो अन वैश्य निकालो भाई, तो 40 बटा 2 बराबर 20, अन वैश्य कितना आया 20 आया। तो अब 20 से ठीक बड़ी संख्या, तो वही 17 तो छोटी है, 29 20 से बड़ी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। क्या हो जाएगा भाई, माध्यक वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग। तो हमें ये तो पता चल गया इसमें माध्यक वर्ग कौन सा होगा। तो अल क्या होती है भाई, अल आपके पास माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये माध्यक वर्ग, ये उच्च सीमा और ये निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितनी, 145 सॉरी हेरी, ये लेनी हमें 144.5। तो निम्न सीमा अभी 144.5। आगे मैं बात करूं, अन वाई टू का मान हमारे पास है सीएफ। सीएफ क्या थी भाई, माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो सीएफ का मान कितना होगा, 17 होगा। तो सीएफ का मान हमारे पास 17 आ गया। आगे मैं बात करूं अब, तो अब क्या था, क्या थी भाई, अब का मान क्या था, अब हमारे पास था माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग ये रहा और इसकी बारंबारता 12। तो ये आ गया आपके पास अब। तो अब का मान कितना है भाई, 12 आ गया। और एच, एच हमारे पास क्या है भाई, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 153.5 में से 144.5 घटा दो, तो 153.5 से 144.5 घटा दो भाई, तो कितना बचा हमारे पास, ये हमारे पास बच गया 9 बच गया। तो कितना है भाई h का मान, h का मान हमारे पास 9 आ गया। क्या किया मैंने, उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा दी, 153 में से 144 घटा दिया, तो h का मान 9 आ गया। ये सारे मान उठा के भाई फॉर्मूले में लगा दो, तो l का मान 20, l का मान 144.5 प्लस का चिन्ह अन वाई टू कितना है 20 माइनस सी एफ का मान कितना 17 अपॉन अब कितना भाई 12 है गुणा 9 एच का मान 9, तो एच गुणा एच 9। तो अब सॉल्व करो भाई, 144.5 और 20 से 17 गए तो 3 बट्टा 12 गुणा 9, अब 3 चौके 12 कितना भाई काट दो, 9 में 4 का भाग दो, 144.5 प्लस 9 बट्टा 4 और 9 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार चला गया। आगे शेषफल 1, तो और जा रहा है भाई 0.2, तो 2.2 आ गया। 9 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया, 2.2 आ गया। और 2.2 जोड़ दो भाई तो कितना हुआ, 147.7 147.7। तो ये आ गया आपका माध्यक। तो इस प्रकार आप इस फॉर्मूले की मदद से माध्यक निकाल सकते हो। आपको अल का मान पता होना चाहिए, अल का मान भाई माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, अन बटा दो, अन का मान क्या होता है भाई बारंबारताओं का योग। आगे सीएफ क्या थी, माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। और एफ क्या है भाई, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और गुणा एच, एच का मान क्या होता है भाई, वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये सारे मान फॉर्मूले में लगाने आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन, अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। आपके पास वर्ग अंतराल दे रखा है कि 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। और इसकी बारंबारता दे रखी है भाई 14, 56, 60, 76, 74, 62 और 48। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या था भाई, एल प्लस एन बटा दो माइनस सी एफ गुणा एच अपॉन एफ, यही था माध्यक का फॉर्मूला। तो हमें सी एफ
संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है, तो तीसरा कदम किसका होगा? संचयी बारंबारता का। तो भाई पहला पद तो है जैसे का जैसे ही, आगे 14 को 56 में जोड़ा तो 70, आगे 70 तो 70 और 60 को जोड़ा तो 130, आगे 130 में 86 जोड़ा तो 216, और 216 में 74 जोड़ा तो 290, आगे 290 में 62 जोड़ा तो 392, और 352 में 48 जोड़ा तो 400। तो हमारे पास क्या गई भाई? ये हमारे पास आ गई संचयी बारंबारता है। तो संचयी बारंबारता तो हमारे पास आ गई। अब अल, अल क्या होता है भाई? माध्य त्वरक की निम्न सीमा। तो माध्य त्वरक आपको पता होना चाहिए, उसके लिए हम क्या ज्ञात करते हैं भाई? अन वायु ज्ञात करते हैं, और अन का मान बारंबारता का योग कितना आया भाई? बारंबारता का योग हमारे पास 400 आया। तो हमारे पास अन का मान कितना आ गया? अन का मान 400। अन वायु निकालो तो 400/2 तो कितना आया? 200। तो अब हमें देखना है कि माध्य त्वरक कौन सा होता है। तो 200 दिखाई दे रहा है आपको, तो 130 200 से कम है, ज्यादा क्या है भाई? 216। तो ये हमारा हो गया माध्य त्वरक। ये क्या हो गया हमारा? माध्य त्वरक हो गया। तो अल क्या होता है भाई? अल माध्य त्वरक की निम्न सीमा। 3500 तो उच्च सीमा भाई, निम्न सीमा क्या आपके पास? 3000। तो ये हो गया आपका अल का मान। तो अल कितना हो गया आपके पास? 3000 हो गया। आइए अन वाई टू का मान 200। सी एफ आपके पास क्या होता है? माध्य त्वरक से ठीक पहले आने वाले वेग की संचयी बारंबारता। तो ये आपके पास सी एफ हो गया। सी एफ कितना? 130। तो सी एफ का मान आ गया आपके पास 130। आइए अफ क्या होता है? माध्य त्वरक की बारंबारता, और ये माध्य त्वरक और इसकी बारंबारता कितनी? 86। तो अफ का मान कितना आ गया? अफ का मान 86 आ गया। आइए एच की बात करूं मैं, तो एच क्या होता है? एच आपके पास उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 3500 में से 3000 घटाना है, तो कितना आएगा? 500 आ गया। हमारे पास सारे मान आ गए, केवल फॉर्मूले में लगाना है। तो अल का मान 3000 लगा दो भाई। आगे प्लस एन वाई टू कितना? 200 माइनस सी एफ कितना? 130 अपॉन अफ कितना? 86 गुणा एच का मान, एच कितना आपके पास? 500। ये सारे मान मैंने फॉर्मूले में लगा दिया। अब केवल कैलकुलेशन करनी है। तो 3000 प्लस 200 से 130 गए, कितने बचे? 70/86 गुणा 500। अब भाई 7 को 5 से गुणा किया तो कितना आया? ये हमारे पास 35 आ गया, और 3 0 यानी 35000/86। अब 86 का भाग देना है, 35000 में 86 का भाग दिया तो कितना आएगा आपके पास? 406.91 आएगा, और प्लस 3000 आपके पास चल रहे हैं। तो अब 3000 और 406.91 को जोड़ दो तो कितना आ गया? 3406.91। तो ये हमारे पास आ गया माध्य। तो इस प्रकार आप माध्य क्या कर सकते हो। तो अब करते हैं और बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता। तो हम क्या क्या करेंगे? संचयी बारंबारता का एक कॉलम और बनाएंगे, और वो कॉलम किस प्रकार बनता है भाई? 6 ऐसा था ऐसा ही। आगे क्या करेंगे? 6 और 30 को जोड़ेंगे, तो जोड़ा तो कितना आ गया? 36। आगे 40 और 36 को जोड़ना है, तो 36 + 40 कितना हो भाई? 76। आगे 76 और 16 को जोड़ना है, तो 76 + 16 कितना हुआ? 92। आगे 92 और 4 को जोड़ा तो कितना आ गया आपके पास? ये आपके पास 96 आ गया, और 96 4 को जोड़ा तो ये आपके पास 100 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गई? संचयी बारंबारता का एक कॉलम आ गया। और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य हमारे पास होता है L प्लस N/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच, यही होता है आपके पास। तो पहले एन वाई टू निकालते हैं, एन वाई टू, और एन का मान बारंबारता का योग कितना है? 100। तो 100/2 = 50। तो हमारे पास एन बट्टा दो का मान कितना आ गया? 50 आ गया। तो 50 ये 36 तो भाई 50 से छोटी संख्या है। आइए 76 की बात करते हैं, तो 76 क्या आपके पास?
50 से बड़ी संख्या है, तो ये क्या हो गया आपके पास माध्यिक वर्ग हो गया। क्या हो गया? माध्यिक वर्ग। और एल क्या आपके पास? माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा। एल क्या आपके पास? माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा। और निम्न सीमा कितनी है? 7। तो एल का मान कितना हो गया? 7 हो गया। आगे सी एफ की बात करूं तो संचयी बारंबारता माध्यिक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता तो कितनी है भाई? 36। तो सी एफ का मान 36। अब आपके पास माध्यिक वर्ग की बारंबारता तो अब का मान 40। अब हो गया 40। और एच आपके पास क्या है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 10 से 7 के तो 3। तो एच का मान आपके पास 3 है। अब क्या करो, सारे मान फॉर्मूले में लगा दो। तो एल का मान कितना? 7 प्लस एन वाई टू का मान 50 माइनस सी एफ। सी एफ का मान कितना? 36 अपॉन एफ का मान कितना? 40 गुणा एच का मान कितना? 3। सोल्व करो तो 7 प्लस 50 से 36 गए तो 14 अपॉन 40 गुणा 3। तो 7 प्लस कितना हुआ भाई? 14 को 300 गुणा किए तो ये आ गया 42 बट्टा 40। और भाग दो तो कितना है आपके पास? ये आ गया 1.5 आ गया और बट्टा 10 तो कितना है भाई? 7.015। तो 7.015 कितने हो गए? 7.15। तो ये हमारे पास आ गया माध्य। तो इस प्रकार आप माध्य निकाल सकते हो। तो अब क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। तो अब बहुलक याद करते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक आपके पास होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ वन गुणा एच। ये होता है आपके पास बहुलक। और बहुलक में कितने कॉलम बनाते हैं? बहुलक में दो ही कॉलम होते हैं, एक वर्ग अंतराल का और एक बारंबारता का। तो एल क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और बहुलक वर्ग कौन सा होता है जिसकी बारंबारता क्यों सबसे ज्यादा? तो सबसे बारंबारता 40 की। तो ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। तो एल क्या होती है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और निम्न सीमा कितनी? 7। तो एल का मान 7 हो गया। एफ वन, एफ वन क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो एफ वन का मान 40। आगे एफ जीरो, एफ जीरो क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये हो गया एफ जीरो का मान 30। तो एफ जीरो का मान कितना हो गया? 30 हो गया। आगे एफ टू की बात करूं तो एफ टू का मान, एफ टू का मान क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो एफ टू का मान हो गया 16 है। एफ टू का मान कितना हो गया? 16 हो गया। और एच, एच का मान उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 10 से 7 गए तो 3। तो ये आ गया आपके पास एच का मान। सारे मान फॉर्मूले में लगा दो। तो एल का मान 7 प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, तो 40 माइनस एफ जीरो कितना? 30। 40 माइनस 30 अपॉन 2 गुणा एफ वन का मान कितना? 40 माइनस एफ जीरो का मान 30 और एफ टू का मान 16 है गुणा एच का मान कितना? 3। सोल्व करो भाई, 7 प्लस 40 में से 30 गए तो 10 बचे और ये कितने हो गए? 80। और 30 से 16 कितने हो गए? 46 गुणा 3 17। 7 प्लस 10 अपॉन 10 को 3 से गुणा किया तो 30 और 80 में से 46 गए तो कितने बचे आपके पास? ये आपके पास बच गए 80 में से 46 घटाओ तो 34 बच गए आपके पास। आपके पास 34 बच गए और सॉल्व किया तो 34 में 30 में 34 का भाग दो भाई, 30 में 34 का भाग दो तो पॉइंट और 300 तो कितना आएगा आपके पास? ये लगभग 9 बार जाएगा तो आपके पास आ गया 0.9। और 7 और 0.9 को जोड़ा तो कितना आ गया? 7.9 आ गया। तो ये आ गया आपके पास बहुलक। तो इस प्रकार आप बहुलक निकाल सकते हो। आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। यदि आपको ये फॉर्मूला आ रहा है तो आपके पास ये मान
आसानी से आ जाएंगे और आप मान फॉर्मूले में रख देना, आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन आपके पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य की ज्ञात करना है और इसकी बारंबारता दे रखी है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। हमें क्या ज्ञात करना है भाई? माध्य ज्ञात करना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एन बटा दो माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच, यही होता है आपके पास। तो एल क्या होता है? माध्य गुण की निम्न सीमा और सी एफ हमें चाहिए। तो हमें क्या याद करना पड़ेगा? संचय बारंबारता का एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। तो ये पहला प्लस है जैसे का जैसे ही, आगे क्या करेंगे? दो और तीन को जोड़ेंगे तो कितना आया? पांच। आगे पांच और आठ को जोड़ो भाई तो कितना आएगा आपके पास? 13। और 13 और 6 को जोड़ा, 13 और 6 को जोड़ा तो 19, और 19 और 6 को जोड़ो, 19 और 6 तो कितने हो गए आपके पास? 25। और 25 और 3 को जोड़ा तो ये आपके पास 28, और 28 और 2 को जोड़ा तो कितना हो गया आपके पास? 30 हो गया। तो बारंबारताओं का योग भी कितना हो गया? ये आपके पास 30 हो गया। तो आपके पास अन क्या होता है? बारंबारताओं का योग, और योग कितना? 30। तो अन का मान 30, तो अन बाई 2 निकाला तो कितना आया? ये आ गया आपके पास 15। तो अन बाई 2 कितना आया? 15 आ गया। और 15 से ठीक बड़ी संख्या, 13 तो छोटी है, ठीक बड़ी 19। तो ये आपके पास आ गया माध्यक वर्ग। क्या आ गया? माध्यक वर्ग आ गया। और माध्यक वर्ग आ गया तो आप ये सारे मान आसानी से बता सकते हो। तो अल क्या होता है? अल आपके पास माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो अल का मान 55। अल का मान कितना आ गया? 55 आ गया। सी एफ क्या होती है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो सी एफ का मान कितना हो गया आपके पास? 13 हो गया। और अब की बात करूं तो अब क्या होता है आपके पास? माध्यक वर्ग की बारंबारता, और माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी? 6। तो अब का मान 6, और एच का मान कितना हो गया? एच का मान आपके पास उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 60 में से 55 गए तो 5, तो एच का मान 5 हो गया। सारे मान आपको फॉर्मूले में लगाना है। तो एल का मान 55 प्लस एन बटा दो, एन बटा दो का मान 15 माइनस सी एफ, सी एफ का मान कितना? 13 अपॉन एफ, एफ का मान 6 गुणा 5, एच का मान 5। तो अब क्या करेंगे? सोल्व करो भाई। 55 प्लस 15 में से 13 गए तो 2 बटा 6 गुणा 5, ये कितने भाई? काट दिया 3 के पाड़े से। 55 प्लस 5 बटा 3, 5 में 3 का भाग दिया तो कितने बार जाएगा? ये एक बार गया और 6 बार गया भाई, आगे 6 6। तो 55 में 1 पर 6 6 जोड़ा तो कितना आ गया आपके पास? 56.66 आ गया। तो इस प्रकार आप माध्यक निकाल सकते हो, आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये हमारा आ गया माध्यक। तो दोस्तों आपकी इस प्रश्नावली में 7 क्वेश्चन थे, सातों के सातों कंप्लीट हो गए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं 14.4। तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।